चल ठीक है आ जा। कलर में पड़ा था स्क्रू गेज, क्या पड़ा था? इंस्ट्रूमेंट भी कर दिए सारे, सिग्नीफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, सब कुछ कर दिया। लास्ट टॉपिक छोटा टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं पैरेलेक्स मेथड। क्या बोलते हैं? पैरेलेक्स मेथड। पर उससे पहले हम थोड़े कन्वर्जन करेंगे और कुछ यूनिट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कुछ कहते बात क्लियर। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ से सूरज कितनी दूरी पे है, सूरज से अर्थ कितनी दूरी पे, क्या एंची टेप लेके थोड़ी नापेंगे, तो एक सिस्टम होगा ना उसको नापने के लिए, वो समझेंगे। पर पहले थोड़ी चीज़ें मैं डेफिनेशन समझाना चाहता हूँ तेरे को, ठीक है? पैरेलेक्स मेथड थोड़ा बाद में समझ करते हैं। जो पहली डेफिनेशन आती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं AU। क्या बोला जाता है? क्या तुम्हें आया? मान लीजिए मेरा सन है, क्या है मेरा सन, और यहाँ पे मेरी धरती है, इसको चक्कर चक्कर लगा रही है, क्या लगा रही है इस पर? लगाती है ना, इसके गोल गोल घूमती है ना बेटा। इनके बीच की जो दूरी होती है ना, इनके बीच की जो, इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या तुम्हें आया? नहीं आया? यानी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड AU। अर्थ आया नहीं आया? हाँ आया ना। AU की वैल्यू होती है, तुझे बस याद रखनी, क्या कहना तुम्हें याद रखना है, 1.46, चलो 1.5 × 10^11 मीटर। हाँ या ना? याद रखेगा? कोई मुश्किल लगा तुझे? कुछ मुश्किल? कहती बात क्लियर। इसका मतलब ये डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी यूनिट है? डिस्टेंस। क्या मीटर आया यहाँ पे? अरे हाँ या ना? अच्छा, बट ये देखना ध्यान से, देख तो 10^11 मीटर है, क्या बहुत बड़ी वैल्यू है बहुत छोटी? बहुत बड़ी है बेटा, तभी तो इसको AU बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? अरे हाँ या ना? इसका नाम रख दिया। ये आ गई फर्स्ट, क्या आ गई? ये फर्स्ट। वैसे ही बेटा सेकंड, इसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर। क्या बोला जाता है? लाइट ईयर। क्या बोला जाता है? लाइट ईयर। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड। देख लाइट ईयर देखने में तो लग रहा है सर ये तो टाइम का यूनिट है, पर टाइम का यूनिट ये नहीं है। सुन, मान ले सूरज से लाइट आई, सूरज से वो लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? अरे हाँ या ना? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। अरे हाँ या ना? पक्का? इसका मतलब जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला क्या? स्पीड इंटू टाइम। अरे हाँ या ना? स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10^8 मीटर/सेकंड। अरे हाँ या ना? मल्टीप्लीकेशन, टाइम कितना लगा उसको? क्या एक साल? एक साल में कितना चली? एक साल में क्या 365 दिन होते हैं? 365 दिन में, एक दिन में क्या 24 घंटे होते हैं? फिर एक घंटे में 60 मिनट, फिर 60 सेकंड। अरे आया नहीं आया? इन सबको तू मल्टीप्लाई करेगा तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू आएगी। किसकी आएगी? और जो तूने डायरेक्ट याद रखनी है, जो तूने डायरेक्ट, ये है 9.4 × 10^15 मीटर। अरे तुझे आया नहीं आया? हाँ आया ना? इसका मतलब लाइट ईयर AU से बड़ा है। ये 15 है और ये कितना है? 11। क्या तुझे आया? क्या तुझे सच में मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल नहीं। लास्ट में देख, इसको बोलते हैं 1 पार्सेक। क्या बोलते हैं? पार्सेक, PARSEC। लास्ट है, पार्सेक क्या होता है सुन ले बेटा। पार्सेक क्या है? देख यहाँ पे हमारा सन, क्या मेरा? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मेरा अर्थ, यहाँ पे मेरा, अरे हाँ या ना? और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको बोलते हैं 1 AU। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बिल्कुल आया ना यार। अगर ये सन और अर्थ, मान ले सन से मैं कहीं देखूँ और अर्थ में कहीं देखूँ और वो पॉइंट कॉमन है, वो पॉइंट मान ले कोई प्लैनेट है, इसको मैंने बोला एक्स। क्या बोला? एक्स प्लैनेट है। मैं, तू सन से देख रहा है, मैं सन से देख रहा हूँ, फिर मैं कहाँ से देख रहा हूँ? तो बेटा जो एंगल बनेगा सन के लिए ये, अर्थ के लिए ये, हाँ या ना? और मान ली कि जो एंगल बन रहा है ये जो, इसको मैंने बोला थीटा। क्या बोला? और ये है बेटा 1 सेकंड। क्या है बेटा? इसको बाद में समझेंगे थोड़ा। क्या है ये 1 सेकंड? क्या है ये 1 सेकंड? तो बेटा ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी जिसको मैंने बोला डी, इसको बोलते हैं 1 पार्सेक। क्या बोलते हैं? सुन ले फिर से। अगर सन और अर्थ से एक ही जगह पे देखें और एंगल अगर एक सेकंड का बनाए, कितने का? तो वो जो दूरी होगी उस प्लेनेट की अर्थ और सन से, इसको क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। क्या बोलेंगे? अब तूने एक फार्मूला पढ़ा होगा ऐसे करके, क्या ये वाला फार्मूला पढ़ा? ये अगर आर है, ये भी आर है, और ये अगर आर्क है, क्या है बेटा? ये आर्क है और ये थीटा है। तो पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ या ना? और इसका जो यूनिट होते हैं वो होते हैं रेडियन। क्या होते हैं? रेडियन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो क्या बोल सकता हूँ? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। क्या ये आर्क लेंथ होगी? यानी 1 AU अपॉन रेडियस तो हमको निकालना है आर डी। अरे हाँ या ना? इसका मतलब हमको डी चाहिए, तो डी इज इक्वल टू 1 AU डिवाइडेड बाय थीटा। अरे आया नहीं आया? और थीटा की वैल्यू क्या है? 1 सेकंड। क्या है? हाँ या ना? क्या 1 AU जानते हैं हम?
बेटा वन सेकंड भी डिग्री में समझा, अभी रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं भी बताऊंगा, पर जब ये सब कर देते हैं तुझे बस याद रखना है वन पार्सेक का जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1 × 10^16 मीटर। तुझे आया या नहीं आया? हाँ या ना? क्या वन पार्सेक इससे भी बड़ा है? ये 15 और वो, अब रिलेशन पूछ लेते हैं, वो डिवाइड स्वाइड करके निकाल देना। समझ आ गया पार्सेक क्या है? समझ आ गया पार्सेक? पार्सेक वो डिस्टेंस है जब सन और अर्थ से देखें, जब सन और अर्थ से एक सेकंड का कोण, क्या इसको क्या बोलते हैं बेटा? वन सेकंड क्या बोलते हैं? वन सेकंड का एंगल बनना चाहिए। अरे हाँ यार, कर सकता है क्या? मुश्किल लगा तुझे? कुछ मुश्किल आया? बता दे। अब कन्वर्जन सीखते हैं कि यहाँ पे सर ये कैसे किया रेडियन वो, ये कन्वर्जन सीखते हैं आसान है, तेरे को आ जाएगा। पर समझ आ गया, तीन चीज़ें याद रखेगा, तीनों डिस्टेंस के यूनिट है, देख ले मीटर 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 आ गया सब में, ठीक है। वैसे ही मास के भी होते हैं, जैसे पढ़ा होगा आपने एटॉमिक मास यूनिट, पढ़ा है सब? एटॉमिक मास यूनिट, चंद्रशेखर लिमिट, वो सब नहीं पढ़ा रहा मैं, चल कोई बात नहीं छोड़, कन्वर्जन देखते हैं आप। कन्वर्जन बेटा मान ले ये मेरे पास सर्कल है, क्या मेरे पास ये R, तो क्या बेटा ये भी R और ये आर्क लेंथ जिसको मैंने बोला L, क्या बोला? तो सबको पता थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है बेटा। अगर मैं बोलता हूँ, हाँ अगर मैं बोलता हूँ 180 डिग्री, क्या बोलता हूँ? 180 डिग्री बेटा पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर? किसके बराबर? अगर मैं वहीं बोलूँ 360 तो 2 पाई के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री निकालूँ तो क्या पाई बटे 180 डिग्री रेडियन के बराबर हो गया? अरे हाँ या ना? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जब हम ये सब पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं चल रही, अभी हम डिग्रीज में खेल रहे हैं। किसमें? डिग्रीज में खेल रहे हैं। और पर ऐसा यूनिट क्या बोलता है? जो भी एंगल लेना है वो किसमें लेना है? रेडियन में। देखना यार इसका इसका यूनिट क्या था? रेडियन। क्या यूनिट था इसका? रेडियन। तू देख बचपन में क्या ऐसे पढ़ते थे हम, जैसे ये एंगल था ये मेजर करना, तो यहाँ पे डी रखते थे और ऐसे करके मेजर कर लेते थे। हाँ या ना? और लिखते थे मान ले 37 डिग्री आ गया, कितना? बट यहाँ पे डिग्री पे काम नहीं चलता, ऐसा यूनिट क्या बोलता है? रेडियन लो। क्या लो? तो इसका मतलब हमको कन्वर्जन आना चाहिए, कोई बड़ी बात? अच्छा क्या पाई की वैल्यू पता है तेरे को? 3.14/180 डिग्री इंटू रेडियन। अरे हाँ या ना? पक्का? अब सुन, तूने याद करके रखना, सुन जब मैं इसको डिवाइड स्वाइड करूंगा ना, जो वैल्यू आएगी ना 1 डिग्री की, वो तूने याद रखनी है। क्या रखनी है? रेडियन में डायरेक्ट याद रखनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख 1.74 × 10^-2 रेडियन, क्या याद रखेगा मेरे लिए? हाँ या ना? एक ये बात याद रखनी है तूने, ठीक है। जैसे मान ले कहीं डिग्री दी है 20 डिग्री, कितना? तो 20 को मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे रेडियन आ जाएगा। अरे हाँ या ना? करूँगा, क्वेश्चन कराऊंगा, देखो समझ आ जाएगा। अब बेटा ये जो 1 डिग्री होता है ना, ये 60 मिनट्स के बराबर होता है। किसके? पर मिनट्स में 1 डालते हैं। क्या डालते हैं? क्या इतनी बात क्लियर? अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है तो इसका मतलब 60 डिग्री भी इसके बराबर होगा, सॉरी 60 मिनट भी इसके बराबर होगा। तो अगर मैं 1 मिनट लिखूं, क्या लिखूं? तो 1 मिनट हो जाएगा 1.74 क्या डिवाइडेड बाय 60 रेडियन। अरे हाँ या ना? पता चला ना यार, ये इसके बराबर है और 1 डिग्री क्या 60 नीचे आ जाएगा इसके। अच्छा बेटा जो इसकी वैल्यू होती है वो भी तेरे को याद रखनी है, यानी 1 मिनट, क्या बोलेंगे? 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो तूने याद रखनी है, और वो वैल्यू होती है 2.9 × 10^-4 रेडियन। हाँ या ना? क्या याद रखेगा मेरे लिए? क्या मुश्किल लगी तेरे को? कुछ भी नहीं है, क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा अब देख, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, हाँ या ना? और 1 मिनट में क्या 60 सेकंड होते हैं? तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सेकंड में डबल डैश लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डबल डैश। अगर बेटा सुनना ध्यान से, 1 मिनट की ये वैल्यू है, इसका मतलब 60 सेकंड की भी ये वैल्यू है, तो 1 सेकंड की क्या वैल्यू है? डिवाइडेड बाय 60, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.91 × 10^-4 बटे 60, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 सेकंड की। किसकी? और तूने याद क्या रखना है? जो 1 सेकंड की वैल्यू है वो तूने डायरेक्ट याद रखनी है, वो वैल्यू आएगी 4.85 × 10^-6 रेडियन। हाँ या ना? तेरे को आया नहीं आया? कहने की बात है, तूने अल्टीमेटम याद क्या रखना है देख ले, तूने याद रखना है 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड, बस यही याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत? रेडियन का कन्वर्जन किसका? ये है 1.74, ये है 2.91,
ये है 4.85। अब सुन कैसे, ये 6 है, ये 2 कम कर दे और ये 2 कम कर दे, हालांकि 2 बढ़ा रहा है तो अब इसमें ऐड करेगा तो ये आएगा ना, ऐड करेगा तो वो आएगा। क्या ये चीज़ें याद रख सकते हैं? हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? पक्का, क्योंकि इसके बिना पैरेलेक्स मेथड नहीं पढ़ा जाता। हाँ है ना? अब जैसे देख ले, जब 1 पार्सेक निकाल रहे थे हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता है हमको, 1 सेकंड हमको पता है, क्या 1 पार्सेक आ गया? वहीं से तो आया था। आया तो जो नहीं आया, क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल आसान है, ठीक है, याद करने वाली चीज़ें थोड़ी सी। और देख तो थोड़ा सा और अच्छा करके दिखाता हूँ, ठीक है, याद रखना दोनों, ठीक है, टेंशन कोई बात नहीं। माँ ने तेरे को बोला है 15 डिग्री रेडियन में कर, किसमें 50 डिग्री, तेरे को पता है 1 डिग्री पता है तेरे को, तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकता है 15 इंटू 1 रेडियन किसके बराबर होता है 1.74 इंटू 10^-2 रेडियन। अरे आया नहीं आया, अब जो भी इससे आंसर आएगा वो ठीक है। हाँ यार, अब जैसे उसने बोल दिया 1 डिग्री 40 मिनट 1 डिग्री साथ में, अब देख इसको कैसे सॉल्व करना अच्छे से। 1 डिग्री 1 डिग्री में क्या 60 मिनट? तो हम ऐसे बोल सकते हैं 60 मिनट प्लस 40 मिनट तो ये टोटल कितना बना 100 मिनट। क्या तुझे आया? हाँ या ना? बट रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू बेटा 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर 2.91 इंटू 10^-4 रेडियन। अरे आया नहीं आया? हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? सच बोल, पक्का, गारंटी और दूँ? गारंटी अच्छा देख, उसने बोला 1 डिग्री 2 मिनट 11 सेकेंड। अरे हाँ या ना? तो सबसे पहले क्या इसको छोटा कर, 1 डिग्री पर तूने करना क्या है? सबसे छोटे में करना है, किसमें करना है? आसान रहेगा, 1 डिग्री में कितने मिनट? तो तू ऐसे लिखेगा 60 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट और 11 सेकेंड। हाँ या ना? अभी धीरे धीरे करेंगे फिर डायरेक्ट करने लग जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 62 मिनट 11 सेकेंड। अरे हाँ या ना? अच्छा 62 ये क्या है? मिनट सेकेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्या 62, सुनना ध्यान से, ये मिनट है इंटू क्या 60 करना पड़ेगा? अरे आया नहीं आया? पक्का चला पता, और साथ में ये क्या आ जाएगा 11। हाँ या ना? पक्का? अब देखो, अच्छा ये प्लस करना है लास्ट में, मल्टीप्लाई नहीं कर देना, समझ आ रहा है? ये देख यहाँ पे कैसे किए, 1 डिग्री को 60 मिनट बनाया और 2 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको। हाँ ले लेना बात। अच्छा और देख, क्या 62 × 6 कर सकता है? ये देख 6×2 = 12, 6×6 = 36 कितना आ गया 3270। अरे हाँ या ना? ये कितना आ गया सेकंड में, तो प्लस 11 सेकंड कर सकते हैं, तो ये कितना बना 3231 सेकंड। अरे हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा तेरे को? फिर से देख ले, 1 डिग्री 60 मिनट, फिर 60 मिनट और 2 क्या 62 मिनट, 62 मिनट को सेकंड में करेंगे तो क्या 60 मारना पड़ेगा? आ गया ना, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं 60, तो ये पूरा किसमें आ गया मिनट में और ये सेकंड में, ये पूरा सेकंड में चलता है। अरे हाँ या ना? कर सकता है? क्या मुश्किल लगा? सच होता? हाँ या ना? मिटा दिया जाए या कुछ समझना है इससे? पक्का? अच्छा तू खुद बोलेगा ये वाला 2 डिग्री 1 मिनट बोल। बेटा सेकंड में तो है ही नहीं, मिनट में है। 2 डिग्री है ना? हाँ। पता है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं ना? तो 2 में 2 × 60 कर दे। कितना आएगा फिर? वेरी गुड, 120 सेकंड। पर ये भी तो है ना फिर? 120 1 मिनट। अरे आया तुझे? और तुझे पता है 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1 मिनट 2.91 × 10^-4। अरे हाँ या ना? कर सकते हैं ना? कन्वर्जन है, कुछ भी नहीं है, 3 चीज़ें याद रहनी चाहिए। अच्छा मान ले तेरा मन नहीं है भाई कन्वर्ट करने में, 2 डिग्री दी है, फिर क्यों कन्वर्ट करना है? डिग्री में तो तेरे को पता है ना 1.74 होता है, फिर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत? मान ले तेरे पास दी है 120 सेकंड, क्यों करना है कन्वर्ट यार? 120 × सेकंड की तेरे को पता है कितनी होती है? सबसे लास्ट वालेगी 4.85 × 10^-6, कोई दिक्कत? ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं, ये तो सिंपल मैथ है। अच्छा अब आ जाओ, आप देखते हैं पैरेलेक्स मेथड, क्या देखते हैं? पैरेलेक्स मेथड। आसान है पैरेलेक्स मेथड, देख सुन,
एक काम कर, पेन ले, पेन ना ऐसा रख के रख, ठीक है, दूर रख, ठीक है, सिंपल, सारे ये समझाते हैं, मैं भी ये समझा रहा हूँ। एक आँख बंद कर, देख इसको ध्यान से, ठीक है, अब दूसरी आँख बंद कर, फिर से ध्यान से देख। बेटा क्या मैंने ऑब्जेक्ट हिलाया? तूने भी नहीं हिलाया, बट क्या शिफ्ट दिखी इसकी पोजिशन में? इसी, यही अपेरेंट शिफ्ट जो दिखती है ना बेटा, अपेरेंट शिफ्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं पैरेलैक्स। अरे हाँ आया नहीं आया तो, हाँ आया ना, क्यों होती है ये? इसलिए होती है क्योंकि हमारी आंखों के बीच में गैप है, हमारी आंखों के बीच में, ये देख हमारी आंखें जुड़ी हुई थोड़ी हैं, इतना सा गैप है ना इनके बीच में। तो अगर मान ले इसमें मोबाइल को देख रहा हूँ, तो ये वाला ऐसे देखेगा और ये वाला ऐसे देखेगा, अरे हाँ ना, ऐसे करके जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं? मान ले एक आंख मेरी यहाँ है और एक आंख मेरी, तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये जो एंगल बनता है ना बेटा, इस थीटा, इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं? तुझे आया नहीं आया? अच्छा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों के बीच में गैप, इसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं? और ये होता है डी डिस्टेंस। हमको बेसिकली ये डी डिस्टेंस निकालना होता है, हाँ है ना। अब मान ले ये थीटा बहुत स्मॉल कर दूँ मैं, थीटा क्या कर दूँ? बहुत स्मॉल कर दूँ बेटा, बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल। जैसे एग्जांपल तेरे को समझाता हूँ, मान ले तूने यहाँ से लेके दूरी निकालनी है सन की, तो एंटी टेप लेके थोड़ी जाएगा तू? पॉसिबल? पॉसिबल क्या, तू पहाड़ नहीं नाप पाएगा। तेरे को याद है टेंथ में हम ऐसे क्वेश्चन करते थे, मान ले पहाड़ है, पहाड़ तूने नापने, तो हम क्या करते हैं पहले उसका एंगल देखते हैं ऐसे करके, जैसे ये पहाड़ है, तो हम पहले क्या एक एंगल यहाँ देखते थे, एक्स डिस्टेंस आते थे, फिर क्या दूसरा एंगल देखते थे, हाँ या ना? फिर तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन गया, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? हाँ या ना? पहले थीटा देखा ना, फिर ये देखा, फिर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते? बस यही बात है। क्या एक्चुअल में मुझे पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत है? इतना बड़ा पहाड़ है यार, क्यों जाए? तो हमने एंगल मेजर कर दिया, फिर थोड़ा दूर है फिर एंगल मेजर कर दिया। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, मान ले सन की दूरी निकालनी है, तो पागल थोड़ी है यार, मान ले सन का डायमीटर निकालना होता ना, सन ऐसे एंगुलर डायमीटर, तो उसके ऊपर चढ़ेंगे थोड़ी, तो हम यूज करते हैं पैरेलैक्स का। किसका यूज करते हैं? तभी तो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड, हाँ या ना? कि अगर बहुत बहुत दूर से हमको क्या कह रहे हैं डिस्टेंस नापने हैं, तो हम किसकी मदद से नापते हैं? पैरेलैक्स मेथड की मदद से। क्या इतनी बात क्लियर? और देख, अगर थीटा स्मॉल है तो सीधे बोल सकते हैं आर्क लेंथ बटे रेडियस। आर्क लेंथ क्या हो गया? बेसिस। रेडियस क्या हो गया? डी। तो डी तो निकालना है यहाँ से, तो क्या बन गया? बी बाय थीटा। अरे तुझे आया नहीं आया? याद रखना इसको रेडियन में रखना। किस में रखना? मान लेते को सेकंड में दिया तो क्या रेडियन में करना आता है? मिनट में दिया तो क्या रेडियन में करना आता है? डिग्री में दिया तो क्या रेडियन में करना आता है? तभी तो सीखा पहले। अरे हाँ या ना, दो क्वेश्चन करा दूंगा, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अब तो क्वेश्चन नहीं आते इसमें से। अरे हाँ या ना। अच्छा, अब बात आती है बेसिकली कि हम एंगल कैसे नापे। ऐसा थोड़ी है कि मैं सन को देख रहा हूँ और एंगल नाप लिया, नहीं, एंगल नापने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं सुनना ध्यान से इस बात को, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं तेरे को देख रहा हूँ कितना एंगल बन रहा है, बेटा कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। बेटा एंगल तब बनेगा जब मैं रेफरेंस पॉइंट लूँ। जैसे मान लें मैंने एक सीधी लाइन ले ली, अब मैं देखूंगा कि तेरी तरफ मुड़ा कितना एंगल बना, ये एंगल मेजर करूंगा। विदाउट रेफरेंस पॉइंट एंगल तू मेजर? जैसे एग्जांपल मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू इस लाइट को देख कितना एंगल बन रहा है, तू बता। पर मान ले मैं तेरी सीधे ही भी एक लाइन नापूं, अब तेरे को बोलूं कितना एंगल, अब तू नाप सकता है? हाँ। इसका मतलब हमको रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? अब देख कैसे निकालते हैं, वो मिटा दूं इसको, समझ आ गया ना? हाँ है ना, पक्का गारंटी? चलो फार्मूला वही लगाना है हमने, थीटा आर्क लेंथ वाला, टेंशन की कोई बात, एक ही फार्मूला उसी से काम चलेगा। सुन, समझ ले हमारी धरती ऐसी है। क्या हमारी धरती ऐसी है? बिल्कुल हमारी धरती ऐसी है। मान ले मैं यहाँ रहता हूँ, कहते हैं बात क्लियर, मुझे जो स्टार नापना है ना वो यहाँ पे है, ये है वो स्टार, कहते हैं बात क्लियर, हाँ या ना? बट बेटा मैं डायरेक्ट कैसे नापूँ? मैं बोल रहा हूँ ना टेलीस्कोप तो है मेरे पास, पर मुझे कोई रेफरेंस चाहिए ना, ऐसे थोड़ी पागलों की तरह नापूंगा, ऐसे तो नाप ही नहीं सकता कोई चीज़। इसका मतलब रेफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? तो मैंने क्या किया, ये तो फार अवे स्टार था, कैसा था? फार अवे मतलब जो दूर है। बेटा कुछ स्टार होते हैं जो बहुत बहुत दूर होते हैं, जैसे फर्जी देख सन है, कैसा है? सुनना, ट्रेन में बैठा है या कहीं भी बैठा है, बेटा तू जा रहा होता है तो पास की चीज़ें निकल जाती हैं, बट सन कभी निकलता है? ऐसा लगता है सन हमारे साथ साथ ही चल रहा है। अरे हाँ या ना? इसका मतलब जो सन से रेज आ रही हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं, वो चेंज ही नहीं हो रही हैं, बिल्कुल सीधी हैं। कैसी हैं? तो हमने ऐसा ही कोई स्टार देखा जो बड़ी दूर पे था, मान लो यहाँ पे था, कहाँ था? कहते बात के चेंज नहीं करता, तो इससे जो रेज आएंगी क्या वो सीधी आएंगी? अरे हाँ या ना? तो हम इसको क्या बना देंगे? रेफरेंस। हाँ, वेरी गुड। हम इसकी मदद से पहले ये वाला नापा हमने, इसको मान लिया, बोला थीटा वन कितना, तुझे आया नहीं आया? अरे हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा तुझे? मुश्किल? अच्छा, फिर क्या किया हम, उठे यहाँ से, उठे यहाँ से प्लेन पकड़ा हमने, यहाँ पे आ गए। अरे हाँ या ना? इधर भी कोई स्टार था, हमने क्या किया, इसको भी रेफरेंस पॉइंट लिया, ऐसे किया, हाँ या ना? फिर इधर से इसको क्या कर दिया, नाप लिया। अरे हाँ या ना? ये एंगल बना थीटा टू, कितना?
बेटा ये थीटा वन, ध्यान से देखना, ये थीटा वन तो क्या ये भी थीटा वन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थीटा टू तो ये वाला भी, अरे आया नहीं आया, हाँ आया ना। और बेटा ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला बेसिस, क्या बोला बेसिस। यार ये तो हमको पता है ना हम कितना गए, मैं ही उठ के यहाँ से यहाँ गया ना, हमको तो पता है। इसका मतलब ये हमको पता है, ये हमको, ये हम नाप लेंगे थीटा वन और थीटा टू रेफरेंस से नाप लिया, तो क्या ये निकाल सकते हैं डी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, अरे हाँ या ना। तो थीटा, थीटा किसके बराबर है, थीटा वन प्लस थीटा टू, हमको क्या निकालना है रेडियस, हमको डी निकालना है। तो फॉर्मूला हो गया देख, डी यहाँ गया, ये आ गया आर्क लेंथ, इसको हमने बोला बेसिस डिवाइडेड बाय थीटा वन प्लस, तुझे आया नहीं आया, पता चला एक्चुअल में ऐसे नापते, हाँ या ना। अब थोड़ा और रियलिटी में दिखाऊँ तो कैसे नापते, सुन, मान ले हमारा सन है, क्या हमारा, ये हमारा सन है, कहती बात क्लियर, और अर्थ मेरी यहाँ पे, ये मेरी अर्थ, तेरे को पता है अर्थ के चक्कर लगाती नहीं लगाती, हाँ या ना। तो हमने क्या किया, दिया वही वैसे, यहाँ पे कुछ तारे हैं, ऐसे होता है एक्चुअल में, देख लेना ठीक है, ऐसे थोड़ी है लोग यार यहाँ से उठ के यहाँ जाएंगे, बेटा बहुत मीनने लग जाएंगे। देख एक्चुअल में क्या है, सुन, हमने क्या किया, बड़ा तारा लिया वही वाला, इससे क्या कर दिया कि रेफरेंस लाइन मारी और इसको देख लिया, ये मान लिया थीटा वन कितना, तो जाया नहीं आया। अब बता अर्थ क्या चक्कर लगाती है सन के, एक साल में क्या पूरा चक्कर लगाती है, तो छः महीने के बाद टक 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 यहाँ पहुँच जाएगी, अरे हाँ या ना। हमको क्या कहीं जाने की जरूरत पड़ी, फिर हमने ये तारा लिया, इसको देखा, और क्या ये एंगल नाप लिया थीटा टू, अरे हाँ या ना। तो ये क्या बन गया थीटा वन, और ये क्या बन गया थीटा टू। और ध्यान से देख, अर्थ और सन के बीच में क्या वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो अर्थ और सन के बीच वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अरे आया तुझे नहीं है। तो अब जो थीटा मेजर करेंगे वो आएगा थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस, आर्क लेंथ कितना टू ए यू बटे रेडियस जो डी, तो क्या यहाँ से डी निकाल सकते हैं टू ए यू बटे थीटा वन प्लस थीटा टू, क्या तुझे आया नहीं आया। बेटा ए यू तो पता है, थीटा वन थीटा टू नाप लिया, क्या डी मिल गया, ऐसे नापते हैं एक्चुअली, तुझे आया नहीं आया। इसका मतलब ये तो कहानी बनाई है हमने, बेसिकली ऐसा चलता है काम। अब बात सुन, सबसे बड़ी बात होती है सर ये तो सीधी लाइन है, हम इसको आग कैसे मान रहे हैं, ये भी एक बात है ना, लॉजिक है ना यार, आग कैसे मान ले, आग तो टेढ़ी होती है ना यार थोड़ी, सुन कैसे मान रहे हैं। बेटा एक्चुअल में हमारा अर्थ ऐसे है ना, अर्थ ऐसे, बेटा मैं यहाँ पे और यहाँ पे खड़ा, मैं सोच ले कोई दिक्कत नहीं है तेरे को, सोच को बेटा, मान ले ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो तेरे को दिख रहा है सर ऐसे ऐसे, ये तो सीधा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर मान ले मैं बोल रहा हूँ ये बहुत दूर है बेटा, बहुत दूर होगा तो थीटा बहुत स्मॉल होगा, कैसा होगा थीटा, बहुत स्मॉल। बेटा बहुत दूर होगा तो अर्थ कुछ, देखना अर्थ कुछ ऐसे दिख रही होगी, छोटी दिख रही होगी ना यार, तो मान लीजिए यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ और ये वाला पॉइंट यहाँ, तो अगर मैं इसको देखूँ तो कुछ ऐसे। बेटा ध्यान से देखिए, सीधा और आँच एक ही तो बराबर है ना यार, इस क्यों, क्योंकि ये थीटा कैसा है, बहुत स्मॉल है। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, ये देख ये थीटा इतना स्मॉल है, बेसिकली ऐसा है ये, ऐसे मतलब ऐसा ही, ये इतना सा थीटा है, तो बेटा इसके लिए आर्क क्या, सीधी चीज़ क्या है, तो बराबर ही ना यार, तुझे आया नहीं आया पक्का, क्या मुश्किल लगा तुझे। ठीक है, ये तो आ गया इसकी पहली एप्लीकेशन, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अगर तू उसको उल्टा करके देख, क्या देख, तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, हम निकाल सकते हैं डायमीटर, क्या निकाल सकते हैं एंगुलर, देख कैसे, देखो डिस्टेंस निकालना आ गया, दूरी निकालना आ गई। मान ले यहाँ पे कोई कोई भी प्लेनेट है, क्या कोई भी प्लेनेट, यहाँ पे हमारा हम खड़े हैं, अर्थ है हमारा, ठीक है, प्लेनेट ऐसे करके दिख रहा है, एक बार हमने यहाँ देखा और एक बार, हमारी मर्जी है यार, हमको पता कैसे देखना, हमको आ गया रेफरेंस पॉइंट लेके, वो तो आ गया ना, पता चल गया। अब सुन ध्यान से, एक बार यहाँ देखो और एक बार, क्या तुझे मान ले ये एंगल बना थीटा वन और ये एंगल बना थीटा टू, तुझे आया, अच्छा और देख बेटा, ये वो डायमीटर जो हमको नापना है, क्या हमको ये, जिसको हमने बोला डी, क्या बोला, कई बार एंगुलर डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है डी। और बेटा ये है डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, कितनी बात की, अभी अभी हमने क्या ये डी निकालना सीखा, थीटा हमको पता है, तो क्या एंगुलर डायमीटर मिल गया, बिल्कुल। फॉर्मूला वही लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे, थीटा का फॉर्मूला क्या, थीटा वन प्लस थीटा टू, आर्क लेंथ क्या हो गया डी बटे डी, अरे तुझे आया, फील कर, ये पता है ये पता है, ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, अरे हाँ या ना। तो डी इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होगी, डी थीटा वन प्लस, अरे तुझे आया, क्या तुझे मुश्किल लगा, हाँ या ना। मान लें दोनों को मिला के बोल दे अल्फा एंगल, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू डी अल्फा, हाँ या ना, क्लियर होगी बात पक्का, क्या मुश्किल लगा, सच बता मुश्किल लगा, गारंटी
अच्छा और देख क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देख ले दो ही क्वेश्चन कराता हूँ ठीक है, फालतू बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन मान ले उसने बोला फाइंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए स्टार, क्या क्या निकालना है तूने, एक स्टार का तूने डिस्टेंस निकालना है, क्या क्लियर है बात? ठीक है अब सुन, बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस ऑफ ए स्टार निकालना है। देखो कुछ गिवन भी होना चाहिए, हाँ ना, ये देख ये अर्थ है, तू यहाँ पे और यहाँ पे, और ये बेसिस दे रखी है तेरे को, क्या दे रखी है तेरे को, ये दे रखी है बेसिस, और बेसिस दे रखी है 2.9 × 10⁻¹⁹ मीटर, कितना कुछ भी दे रखा है, हमको नहीं पता ना यार, ऐसी रैंडम वैल्यू ठीक है, कोई एग्जैक्ट कुछ रैंडम वैल्यू, क्वेश्चन निकालने से मतलब है ना ठीक है। यहाँ पे हमने इसको जब देखा वही हमने रेफरेंस पॉइंट से देखा और हमने एंगल भी निकाल दिया, हमने एंगल भी निकाल दिया, ये वो स्टार है भाई, ये डिस्टेंस डी निकालना है हमको, और जब हमने एंगल देखा ये एंगल आया बेटा, ये एंगल आया एक डिग्री, कितना एक डिग्री और 40 सेकंड, कितना 40 मिनट लगा दे, एक डिग्री 40 मिनट, क्या इतनी बात क्लियर पक्का, हमको ये डी निकालना है। हमने बोला भाई ठीक है फॉर्मूला भाई, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, हमको निकालना क्या है, क्या डी, इसका मतलब डी यहाँ आ गया तो वैल्यू आ गई आर्क लेंथ बटे थीटा, आर्क लेंथ की वैल्यू क्या है 2.91 × 10⁻¹⁹ बटे थीटा, कितना दी है एक डिग्री 40 मिनट, इसका मतलब पहले इसको मिनट बना दो, 60 + 40, हाँ वेरी गुड, कितना आया 100 मिनट, पर यार 100 मिनट को क्या रेडियन बनाओ, तो एक मिनट में कितना होता है, क्या 2.91 × 10⁻²⁻² रेडियन, तुझे आया नहीं आया, सच बोल, आया ना गौरा मत, आया पक्का, अच्छा देख 2.91 से 2.91, मैंने तभी ऐसी वैल्यू ली थी कि वो कैंसिल हो जाती थी, अरे हाँ आया ना बेटा, ये 100 कटा तो यहाँ क्या 7 रह गया, अरे हाँ आया ना, अगर ये 7 है ये 2 ऊपर गया तो क्या 9 हो गया, तो तुझे आया या नहीं आया, बोला है पक्का, मुश्किल लगा तुझे, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, बट आ जाएंगे तो क्या तेरे को करना आते हैं, क्या मुश्किल लगे तेरे को, मान लिया तेरे को एंगुलर डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है एंगुलर डायमीटर, क्या इतनी बात क्लियर, तेरे को डिस्टेंस दे रखा है, तेरे को डिस्टेंस दे रखा है मान ले 1.5 × 10⁻¹⁰ मीटर, कितना नहीं 10⁻¹² मीटर, कितना कोई स्टार है डिस्टेंस दे रखा है तेरे को, तेरे को एंगल अल्फा भी दे रखा है, क्या दे रखा एंगल अल्फा दे रखा है तेरे को 11 मिनट, कितना अरे हाँ यार ना ठीक है, तुझे निकालना है, जैसे ये देख ये वो स्टार है इसका ये एंगुलर डायमीटर, तू यहाँ से देख रहा है भाई, ये तेरे को दे रखा है कितना 11 डिग्री और ये तेरे को दे रखा है 1.5 × 10⁻¹² डिग्री नहीं मिनट सॉरी मिनट, अरे हाँ यार ना तुझे ये करना है, ये निकालना है एंगुलर डायमीटर जो भी है, तो तेरे को पता है थीटा इज इक्वल टू यानी अल्फा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे आर्क लेंथ के एंगुलर डायमीटर बटे आर, अरे हाँ या ना क्या निकालना है एंगुलर डायमीटर, तो फॉर्मूला क्या दिस इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा सीधे देख 1.5 × 10⁻¹² मल्टीप्लाई बाय 11 क्या है ये मिनट, क्या है ये मिनट को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो 11 इंटू मिनट मतलब क्या 2.91 × 10⁻¹⁴ रेडियन, अरे हाँ या ना तुझे आया एंगल आंसर आ गया, फिर से तूने तीन बातें क्या याद रखनी है, 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, कितने 60 मिनट, या फिर ऐसा बोल सकता है 3600 सेकंड, कितना वही तो बात है ना यार ठीक है, तो 1 डिग्री का याद रखना तूने 1.74 × 10⁻²⁺ रेडियन, फिर से लिखा रहा हूँ बाद में, ये है 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, और इसका याद रख कितना है 4.85 × 10⁻⁶, एक बात ये देखते रख 2, 4, 6 ये माइनस में बढ़ता जाएगा और ये प्लस में बढ़ता जाएगा, यहाँ पे देख 2 से कम वैल्यू है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा, यहाँ पे 4 से ज़्यादा, अरे हाँ या ना थोड़ी ट्रिक्स तेरे को याद रहना जाएगा, 4-5 बात देखिएगा तो क्या क्लियर है बात, पैरेलल मेथड में हालांकि क्वेश्चन नहीं आते हैं पर आ जाएं तो तेरे को निकालना कोई बड़ी बात, क्लियर हो गया, यहाँ से यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म होते हैं, कल स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, क्या स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक मैथ हमने पढ़ा चुके हैं अच्छे से पढ़ के, तभी बेसिक मैथ हमने पहले पढ़ाया था, वेक्टर जल्दी के जल्दी करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और टाइम पास हम कम करेंगे, क्लियर है बात पक्का अच्छा ठीक है, इसकी शीट भी करनी है हमने, एच सी वर्मा करनी है, इसकी क्या करनी है एच सी वर्मा एक किताब आती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, वो भी करनी है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो फिर इसके क्वेश्चन भी लगा देंगे हम, क्या क्लियर है बात पक्का, ठीक है छुट्टी करें, ठीक है।